लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। लोकसभा चुनाव 2024 हरियाणा में दिलचस्प है। सभी सीटों पर कड़ा मुकाबला है। 2019 में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था, सभी 10 सीटों पर कमल खिला था। मोदी लहर का असर ये था कि सोनीपत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हार का सामना करना पड़ा था। मगर इस चुनाव में सियासी समीकरण किसी के पक्ष में होंगे, ये खुलासा तो 4 जून को ही होगा। मगर इस बीच आज बात करेंगे पिछले 3 लोकसभा चुनावों की, कब किस दल ने कितनी सीटों पर बाजी मारी और कैसा रहा 2019 का लोकसभा चुनाव। 2019 में हरियाणा में भाजपा की लहर 2014 से अधिक थी। 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने 3 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। भाजपा ने सबसे कम मतों से रोहतक सीट जीती थी। ये अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को सिर्फ 7,503 मतों से हराया था। करनाल लोकसभा सीट पर भाजपा के संजय भाटिया ने देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी 6 लाख से अधिक मतों से चुनावी रण जीता था। रतनलाल कटारिया के निधन के बाद भाजपा ने इस बार अम्बाला से उनकी पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया था। उधर नायब सैनी के सीएम बनने के बाद कुरुक्षेत्र सीट पर उद्योगपति नवीन जिंदल को उतारा। पार्टी ने करनाल से मौजूदा सांसद संजय सिंह भाटिया का टिकट काटा। इसके बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने यहां चुनाव लड़ा। सिरसा में सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया। ब्रजेश सिंह के कांग्रेस में जाने के बाद हिसार सीट पर रणजीत सिंह चौटाला पर दाव खेला। सोनीपत सीट पर भी भाजपा ने चेहरा बदला और राय विधायक मोहनलाल बड़ौली को प्रत्याशी बनाया। 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा का हरियाणा में खाता भी नहीं खुला था। 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, वहीं 1 सीट पर हरियाणा जनहित पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 7, इंडियन नेशनल लोकदल ने 2, कांग्रेस ने सिर्फ रोहतक सीट पर जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि कांग्रेस 2019 के आए हुए परिणामों से सबक लेते हुए 2024 में कैसे बेहतर करती है और भाजपा क्या रोहतक सीट पर जीत का अंतर बढ़ा पाती है।